नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आपको एक अच्छी न्यूज़ देने जा रहे हैं, क्योंकि आज यानी कि आज बुधवार अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। मैं उसको आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब ये नई भर्तियां निकालने वाले हैं। तो ये क्या सूचना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी सूचनाएँ मिली हैं इस बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे के मित्र हैं वहाँ से, उन्होंने मुझे बताया कि अभी वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी सीबी पालीवाल जी ने। ठीक है, तो मैं उसको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और जॉब से रिलेटेड और जीके से संबंधित प्रश्न उत्तर के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हमें मोटिवेशनल मिलता है इस वीडियो से, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ने से। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज यानी कि बुधवार को अभी एक लेटेस्ट न्यूज हमें प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा उन्हें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नई भर्तियों को शुरू करने के लिए जल्द विज्ञापन निकालने जा रही है, क्योंकि आज ही अभी अध्यक्ष जो है यहाँ के यूपी ट्रिपल SSC के CB पालीवाल जी ने सभी सदस्यों की आज बैठक बुलाई है और अभी वहाँ मीटिंग चल ही रही है। ठीक है, इसमें यह निर्णय लिया जाएगा क्योंकि ये किसमें कितनी वैकेंसियाँ निकाली जाएं, क्योंकि सारी वैकेंसियों के ढट्ठा उनके पास आ चुका है। अब उसमें किसमें किस ना विभाग में क्या क्या आएगा, अब वो आज शाम या कल सुबह तक पेपर में भी आ जाएगा, तय हो जाएगा। तो जैसे ही न्यूज आती मैं आपको तुरंत अवगत कराऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूँ कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कई सरकारी विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मिल चुका है। आयोग सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के साथ अन्य खाली पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाल सकता है। सबसे पहले यही निकलेगा किसके, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के लिए सबसे पहले जो खाली पद है उनको भरा जाएगा। इसके साथ ही जो समाजवादी सरकार में हुई भर्ती की गड़बड़ी की जाँच रिपोर्ट थी उस पर भी यह लोग बैठक किए हुए हैं कि जो इसमें गड़बड़ी हुई थी या कैसे सुधारा जाए या इसमें क्या अंतिम निर्णय लिया जाए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी UP SSC से हुई थी सपा सरकार में, तो उसके लिए भी आज की बैठक बहुत अहम मानी जाती है और नई वैकेंसी के लिए काफ़ी अहम मानी जाती रही है ये बैठक। और जैसे ही इसका आगे का न्यूज आता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और आयोग के अध्यक्ष बैठक के सदस्यों से विचार विमर्श प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद सर्वसम्मत से कोई फैसला लिया जाएगा, और जैसे कोई फैसला आता है मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएँ। धन्यवाद।